दोस्तों, दुनिया में हर इंसान हमेशा जवान और सुंदर दिखना चाहता है। इसके लिए वो प्रतिदिन कुछ न कुछ जतन करता रहता है, पर एक निश्चित समय के बाद बुढ़ापा अपना असर दिखाने लग जाता है और इससे हम कभी भी नहीं बच पाते। स्तनधारी जीवों में बढ़ती उम्र के साथ ये 9 लक्षण नजर आने लगते हैं। यही लक्षण इंसानों को भी एहसास दिलाते हैं कि वे बूढ़े होने लगे हैं। नंबर 1, डीएनए की क्षति। हमारा डीएनए एक तरह का जेनेटिक कोड होता है जो कोशिकाओं के बीच संचरित होता है। उम्र बढ़ने से इन जेनेटिक कोड के संचरण में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये कोशिकाओं में जमा होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को अनुवांशिक अस्थिरता के रूप में जाना जाता है और यह विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब डीएनए स्टेम सेल्स को प्रभावित करता है। अनुवांशिक अस्थिरता स्टेम सेल्स की भूमिका को खतरे में डाल सकती है। अगर यह अस्थिरता बढ़ जाती है तो ये कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। नंबर 2, क्रोमोसोम्स का कमजोर होना। हर डीएनए सूत्र के अंतिम छोर पर कैप जैसी संरचना होती है जो हमारे क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही संरचना होती है जैसे हमारे जूतों के फीते की, जिसमें फीते के अंतिम छोर पर एक प्लास्टिक का टिप लगा होता है। इन्हें टेलोमर्स कहते हैं। हम जैसे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं ये कैप रूपी संरचना हटने लगती है और क्रोमोसोम की सुरक्षा ढीली पड़ जाती है। इस वजह से परेशानी पैदा हो सकती है। शोधकर्ताओं की माने तो टेलोमर्स की संरचना में जब गड़बड़ी आती है तो कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं और अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों ही रोग प्रतिरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं। नंबर 3, कोशिकाओं का व्यवहार प्रभावित होता है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे डीएनए एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें किसी एक कोशिका में मौजूद हजारों जीन्स ये तय करते हैं कि उस कोशिका को क्या करना है। मसलन, क्या उस कोशिका को त्वचा वाली कोशिका के तौर पर काम करना है या मस्तिष्क कोशिका के रूप में। लेकिन समय और जीवन शैली इन निर्देशों को बदल सकते हैं। ऐसे में कोशिकाएं भी अपने तय व्यवहार से अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। नंबर 4, कोशिकाओं के नवीनीकरण की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारी कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त घटकों के संचय को रोकने के लिए शरीर में नवीनीकरण की क्षमता होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में कोशिकाएं बेकार या जहरीले प्रोटीन जमा करने लगती है जो कई बार अल्जाइमर का कारण बन जाता है। कई बार इसकी वजह से पार्किंसंस और मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 5, कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म कंट्रोल भी खो देती हैं। बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाएं वसा और शक्कर के तत्व को सोखने की क्षमता खोती जाती हैं। इसके चलते बहुत बार मधुमेह की शिकायत हो जाती है। बढ़ती उम्र में जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत होती है उन लोगों में विशेष रूप से यही कारण होता है। उम्र दराज शरीर उन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता जो वो खाता है। नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, लेकिन समय के साथ ये अपनी क्षमता खोने लगते हैं। इनके कमजोर पड़ने से डीएनए पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को रीस्टोर करके चूहों में झुर्रियों को दूर कर दिया। नंबर 7, कोशिकाएं जोम्बी की तरह काम करती हैं। जब कोई कोशिका बहुत अधिक चोटिल हो जाती है तो वो विघटित होना बंद हो जाती है, लेकिन मरती नहीं है। ये जोम्बी सेल अपने आसपास की कोशिकाओं को भी संक्रमित करने लगते हैं और इसके चलते पूरे शरीर में सूजन हो जाती है। ये कोशिकाएं उम्र और समय के साथ जमा होने लगती हैं। नंबर 8, स्टेम सेल्स अपनी क्षमता खोने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं की पुनरुत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है और स्टेम सेल्स थकने लगती हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि स्टेम सेल्स के कायाकल्प से बढ़ती उम्र के शारीरिक लक्षणों को सामने आने से रोका जा सकता है। नंबर 9, कोशिकाएं एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर देती हैं। कोशिकाएं हमेशा एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
उनका ये आपसी संपर्क घटने लग जाता है। उनके बीच संपर्क ना होने से असर यह होता है कि शरीर में सूजन आ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि वे रोगजनक और घातक कोशिकाओं के प्रति सक्रिय नहीं रह पाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली से इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।